हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज का टॉपिक है बहुत ही कमाल का। आप लोगों में से जो लोग फ्रीलांसिंग में अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो उन लोगों को अगर आप मैनुअल रीच आउट करते हो, जो कि आपको श्योरली करना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हो, सो अगर आप मैनुअल रीच आउट करते हो तो उसमें सॉरी उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने जा रहा है ये वीडियो। अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं, स्पेशली अगर आप वेब डिजाइनर हैं और वेब डिजाइनिंग के लिए आप क्लाइंट्स को ढूंढ रहे हो और मैनुअल रीच आउट करते हो या फिर करोगे, तो आपके लिए काफी फायदेमंद वीडियो साबित होगी। सो चलिए बात करते हैं क्या है ये। ओके, इज माय स्क्रीन। एज यू कैन सी, ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है डीएनपीडिया। डीएनपीडिया, इसमें आपको हर दिन जितने भी डोमेन रजिस्टर होते हैं उनके उनका पूरा का पूरा अपडेट मिलता है। प्रोबेबली उन डोमेन्स की भी लिस्ट आपको मिल जाती है, पूरा डेटाबेस मिल जाता है जो डोमेन्स एक्सपायर हुए हैं रिसेंटली और वो री रजिस्टर हुए हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस आप इसमें देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें कि फिजिंग डोमेन्स है ना, फिजिंग आप लोग समझते हो जो बैड एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं। इसके बाद डोमेन सर्च का टूल है, डिलीटेड डोमेन्स, TLD टॉप लेवल डोमेन्स का टेबल है यहाँ पे, डेली हिस्ट्री है। इसके बाद और भी कुछ ऑप्शंस आप देख रहे हैं, राइट? तो हम इस वाले ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, डेली डोमेन, राइट? चलिए देखते हैं। सो इसमें होगा क्या, डेली डोमेन्स वाला जो यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे हो, कुछ यहाँ पे इशू आ रहा है, टू बिजी, ट्राई अगेन लेटर ऑन यूज द API। ठीक है, यानी कि ये सर्वर कुछ बिजी चल रहा है, मे बी इसको अभी ही बिजी होना था क्या। चलिए देखते हैं, अभी इसका सर्वर बिजी चल रहा है भाई लोगों। लेट मी सी वंस अगेन। ओके, सो थोड़ा सा टेम्पोररी इशू होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेटाबेस को बहुत ज्यादा है, एक बड़े वास्ट लेवल के डेटाबेस को ये लोग हैंडल करते हैं, तो API कभी कभी फेल हो जाता है या सर्वर फेल हो जाता है। एनीवेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जापानीज का कुछ, ये यहाँ पे .com यानी कि सबसे टॉप लेवल डोमेन माना जाता है, .com, .net, .org। तो इससे आप इसको सॉर्ट कर सकते हो कि कौन से डोमेन का आप, सॉरी कौन से एक्सटेंशन का डोमेन आप देखना चाहते हो, .com, .org, .net, whatever, राइट? तो यहाँ पे कुछ जापानीज में .com आपको मिल जाएंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप आओगे तो कुछ ये हैं डोमेन्स। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि ये जो डोमेन्स आप देख रहे हो 40f1.com, 4 डिजिट में कोई भी .com डोमेन अवेलेबल नहीं है, ये मैंने खुद कंफर्म किया था। सो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी एक्सपायर्ड डोमेन्स हैं वो सारे के सारे री रजिस्टर हुए हैं और उसी का ये यहाँ पे डिटेल मिल रहा है। तो यहाँ से आप क्या करो, इसको आप पहले देख सकते हो, पूरा नीचे तक जाके देखो, मैंने 500 यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। आप इसमें 1000 भी कर सकते हो, 2000 भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली करना आपको क्या है कि यहाँ से इस टूल का इस्तेमाल कीजिए ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितने ऐसे डोमेन्स हैं जो अभी नए नए रजिस्टर हुए हैं, राइट? अब जरा सोचिए कि जो नए नए डोमेन्स रजिस्टर हुए हैं क्या उनको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी ना? श्योरली, फॉर श्योर उनको वेबसाइट बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आप उनको रीच आउट कर सकते हो? अब वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, बट क्या आप उसको रीच आउट कर सकते हो उस डोमेन के ऑनर को कि भाई आपने अभी भी डोमेन रजिस्टर किया है और मैं एक वेब डिजाइनर हूँ, क्या आप इस पे एक वेबसाइट अपना लाइव कराना चाहेंगे, इस तरह की चीजें, राइट? चलिए, इसमें कुछ सॉर्ट सॉर्ट करने के लिए टूल्स हैं। शायद मैंने इसका एक बार मैं देख लेता हूँ, ये API ही बिजी चल रहा है, क्या बताऊँ मैं। चलिए, डेट एडेड प्रोसेस्ड, आई मीन इस तरह के ये फिल्टर्स हैं, इन फिल्टर्स को आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने इसको चेक नहीं किया। आप इन फिल्टर्स को, क्योंकि इतना सारा ये 1503 डोमेन्स को देखना है ना, 1503 एक्सटेंशन, आई एम सॉरी, ये एक्सटेंशन है, ये 1503 जो आप देख रहे हो ये एक्सटेंशन है। इसके बाद कितने डोमेन्स हैं जरा, डोमेन्स होंगे जरा आप सोचिएगा, इसमें बहुत सारे डोमेन्स। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपने डोमेन फ्लिपिंग का नाम सुना होगा तो ठीक है, अगर नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ कि इसमें मोस्ट ऑफ द डोमेन्स जो है हो सकता है कि वो डोमेन फ्लिपिंग वाले हों। फ्लिपिंग जो लोग करते हैं कि डोमेन को खरीदा, उसको एक प्रीमियम प्राइस पे रखा और उसको सेल किया, तो ये डोमेन फ्लिपिंग कहलाता है, ये चीज जो है, ये एक्टिविटी डोमेन फ्लिपिंग कहलाती है। तो
अगर इसमें से मोस्ट ऑफ द डोमेन्स जो आपको मिलेंगे फ्लिपिंग वाले मिलेंगे, तो अगर आप उनसे रीच आउट करोगे, उनके पास पहुंचोगे, हालांकि वो भी काम करेगा, बट जो बिजनेस से रिलेटेड नेम्स मिलेंगे आपको ना, बिजनेस से रिलेटेड डोमेन्स मिलेंगे, उस पे अगर आप रीच आउट करते हो उनको, तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। अब जैसे कि domains.biz, अब आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपली इसको चेक करो कि क्या इस पे कोई वेबसाइट लाइव है क्या, जैसे domains.biz, ओ सॉरी, इसको मैं गो टू करता हूँ, गो टू से मुझे पता चल जाएगा कि कोई वेबसाइट इस पे लाइव है कि नहीं। ओके, ये देखिए कोई वेबसाइट इस पे लाइव नहीं है। क्या आपके लिए एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। आप जाइए इस डोमेन के ऑनर को कांटेक्ट कीजिए और आप बोलिए कि आप कोई डोमेन का बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर जो भी कर रहे हैं, अगर इसको आपने फ्लिपिंग के लिए भी खरीदा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली जो आप इसमें प्रीमियम का प्राइस रखेंगे, लेट्स से कि आपने इसको 1,000-2,000 में इतना ही बुक होता है, राइट, डोमेन का एक प्राइस इतना ही होता है, तो अगर इतने में लिया है और प्रीमियम में अगर आप इसको लेट्स से कि 10 लाख रुपया इसका प्राइस आप रख रहे हैं, तो जैसे ही आप एक वेबसाइट इस पर लाइव करते हो, तो इसका प्राइस सीधे आप उसको 10 से 15 लाख बढ़ा सकते हो, क्योंकि उस पर ट्रैफिक आना ऑलरेडी शुरू हो जाता है। ट्रैफिक आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, तो उस डोमेन का प्राइस या वैल्यू अपने आप बढ़ जाता है, इट इज फॉर श्योर, वो डोमेन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप पिच कर सकते हैं कि आप इसको क्या कर सकते हैं सर, हमारे से एक वेबसाइट इस पर लाइव करवा लीजिए, कि आपका जो बिजनेस आइडिया है, या फिर ये मैं बिजनेस आइडिया देता हूँ कि भाई domain.biz है, domains.biz यानी कि डोमेन्स का बिजनेस, यानी कि डोमेन फ्लिपिंग का बिजनेस इस पे बहुत बढ़िया शुरू हो सकता है। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ कंटेंट इस पर लिखता हूँ, इस पर कुछ एक वेबसाइट लाइव करता हूँ, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। आप प्रीमियम में भी लिस्ट करेंगे तो आपके लिए ये आप उसकी वैल्यू बढ़ा देगा, और अगर आप इसको वैसे आप अपना बिजनेस स्टेब्लिश कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ वो चीज, यानी कि डिजाइनिंग कर सकता हूँ। सो ये एक एग्जाम्पल हो गया, राइट। और एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, कुछ नाम वाले, नाम से रिलेटेड वाले, ठीक है ना। ये तो बाकी सारे ऐसे ही लोग, ये मोस्ट ऑफ द मैंने बताया अभी ना कि फ्लिपिंग वाले हैं, लोग फ्लिपिंग के लिए ये सारे डोमेन्स बुक करते हैं। Lucky77, Lucky77 देखते हैं, इस पे भी कोई है क्या ऑलरेडी? ओके ग्रेट, ये कोई डिफरेंस ही भाषा है, और ये कोई गेमिंग, अच्छा जापनीज, जापनीज तो नहीं है कहीं, क्योंकि ये जैपनी जैसा आदमी दिख रहा है, बड़े बड़ी मूछें वो लोग रखते हैं। सो ये कोई गेमिंग की वेबसाइट ऑलरेडी इस पे लाइव है ना, इन्होंने बना रखा है, स्पेस जैसा कुछ था अभी, स्पेस जैसा कहाँ गया, अभी मैं बताऊंगा कि इनका कॉन्टेक्ट डिटेल आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। ओके, आई मीन लॉर्ड्स ऑफ डोमेन्स आर अवेलेबल, यू हैव टू लुक इन टू इट। आप यहाँ पे जाइए, 500 मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे 1,000 देखिए, 2,000 देखिए, ऐसे स्क्रॉल करते जाइए, ठीक है। और ये जो फिल्टर्स है ना, इन फिल्टर्स का यूज कीजिए, मैं ये कहूँगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिल्टर्स कई सारे हैं, इन फिल्टर्स का आप यूज करेंगे तो काफी सारा आपको फायदा होने जा रहा है। और डेट एडेड में भी इसको फिल्टर कर सकते हैं आप अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, कि कौन से डेट पे ये एडेड हो, ठीक है ना। इस फिल्टर का इस्तेमाल आप कीजिएगा। ओके, मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए कुल मिला के। तो अब मैंने बिज का देखा था, एक बार हम ले लेते हैं इसका, डॉट नेट भी बहुत ज्यादा चलता है, ये भी टॉप लेवल डोमेन में, डॉट लाइव आजकल बहुत चल रहा है, डॉट आईओ बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। सो अभी मैं इसी को लेता हूँ एक बार, डॉट नेट को, ठीक है। डॉट नेट में कोई ढंग का नाम देखिएगा, आप सभी को रीच आउट नहीं कर सकते और करना भी नहीं, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ द जो है फ्लिपिंग वाले होंगे, ठीक है। तो आपका तरीका क्या होगा कि पहले डोमेन को नेम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया, फिल्टर किया कि हाँ भाई ये डोमेन, इस पे एक बार देखते हैं कि वेबसाइट लाइव है कि नहीं। आपने जाके देखा, अगर वेबसाइट लाइव है देन ओके, हम नहीं कुछ कर सकते, है ना, आप उसमें चेंजेस बता सकते हो, वहां भी अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो और मिलेगा आपको, ठीक है। utia.net देखते हैं क्या ही है। तो इस पे कोई वेबसाइट लाइव नहीं है, इस पे कोई वेबसाइट लाइव नहीं है, इस पे भी नहीं थी, ये पार्क फ्री में पार्क किया हुआ था गोडैडी के पास, और इस पे भी कोई वेबसाइट लाइव नहीं है।
तो आप क्या कर सकते हो कि इसके ओनर को सीधे, जो डोमेन का ओनर है उसे कांटेक्ट करो और उसको बताओ कि सर आपका बिजनेस क्या है, हम आपको चाहते हैं कि एक वेबसाइट लाइव करके दें एक बहुत ही डर्ट चीप प्राइसिंग में, और उनको ईमेल कीजिए आप, ईमेल या फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। चलिए तो आप आइडिया यहाँ पे समझ गए। अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसका डिटेल निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग आप में से इस चीज से फेमिलियर होंगे। हुईज डेटाबेस से कितने लोग फैमिलियर हैं आप लोग में से, कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आगे बताता चलो कि हुईज डेटाबेस का मतलब होता है कि एक डोमेन का ऑनर, उसका रजिस्ट्रांट और रजिस्ट्रार, इन दोनों का डिटेल, पूरा सर्वर का डिटेल अलोंग विद क्या नाम है अपना, रजिस्ट्रांट का डिटेल मिल जाएगा आपको, और क्या क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रांट एंड दूसरा वर्ड क्या था बोल रहा हूँ मैं, वो यानी कि जो रजिस्टर करने वाली एजेंसी है जहां पे आपने किया वैलेट से, गो डैडी, वो क्या है, रजिस्ट्रांट है, वो रजिस्ट्रांट एजेंसी है या रजिस्ट्रांट कंपनी है, और सॉरी रजिस्ट्रार कंपनी है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो रजिस्ट्रार कंपनी है वो, गोडैडी, नेमचिप, ब्लू होस्ट, ये सारे के सारे रजिस्ट्रार कंपनीज हैं, और रजिस्ट्रांट होता है जो कि ऑनर होता है उस डोमेन का, ओके, जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। सो उनको आप क्या कर सकते हो, कैसे ढूंढ कर अपना हुईज डेटाबेस में उन सभी की डिटेल आपको मिलती है, और उसको आप कैसे ढूंढ सकते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ओके। तो इन दोनों को हमने शॉर्टलिस्ट किया था। अब हम चलते हैं सिंपली, आपको लिखना है हु इज लुकअप, गूगल में सर्च करो आप, ठीक है। हु इज, बाय द वे एक वेबसाइट है जो कि रिकमेंडेड था मेरे गुरु की तरफ से, तो आप इसको भी देख सकते हो, और इसके अलावा बहुत सारे टूल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो कि आपको हु इज डेटाबेस आपको दिखा देंगे, निकाल के दे देंगे, ठीक है। इसमें एक और रिस्ट्रिक्शन है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि सभी का हु इज डेटाबेस आप नहीं देख सकते, ठीक है, सभी का हु इज डेटाबेस आप नहीं देख सकते, बिकॉज उसमें आपने डोमेन प्राइवेसी का नाम सुना है क्या, डोमेन प्राइवेसी सुना है या नहीं सुना है आप जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। बिकॉज देखिए एंगेजमेंट बढ़ेगी तभी मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, राइट। तो एंगेजमेंट बढ़ाइए, कमेंट कीजिए और बताइए, और भी मैं डिटेल में अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेके आता रहूंगा, तभी तो पता चलेगा मुझे कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है इस तरह के कॉन्टेंट की। सो डोमेन प्राइवेसी, जब आप डोमेन बुक करते हो गोडैडी से, अगर आपने कोई भी डोमेन बुक किया होगा, तो वहां पे एक आता है 29 रुपीज पर मंथ या शायद ये पर ईयर के लिए आता है एक प्लान, ठीक है। यानी कि जैसे ही आप चेकआउट के लिए प्रोसीड करोगे तो वो डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन के प्लान के लिए आपसे आपको लेने के लिए बोलेगा, ऑप्शन देगा, ठीक है। आप उसको ना भी कह सकते हो, हाँ भी कह सकते हो। तो बेसिकली वो करता क्या है कि आपका जो कॉन्टेक्ट डिटेल है, जो डोमेन रजिस्ट्रांट है, जिसके नाम पे डोमेन है, जो डोमेन का ऑनर है, यानी कि आप हो, आप खरीदने जा रहे हो, तो आपकी सारी डिटेल्स को वो छुपा देगा डेटाबेस से, ठीक है। तो ये है डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन। अगर आप उसको नो बोलते हो तो आपका डेटाबेस जो है, यानी कि आपका कॉन्टेक्ट डिटेल एंड वट एवर जो भी मैंने अभी बात करी आपसे, जो मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, वो सारे का सारा लाइव पब्लिक पब्लिक पे रहेगा और पब्लिक उसको देख पाएगी, जैसे कि मैं अभी देख पाऊंगा, देखिए कैसे। सो ये ब्यूटी क्या था, ये ब्यूटिया डॉट नेट, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हु इज डीएनएस डॉट कॉम है इसका, हु इज डीएस डॉट कॉम, सॉरी हु इज डीएस डॉट कॉम ये वेबसाइट है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं डोमेन टूल्स, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु इज लुकअप, ठीक है। तो दुनिया भर के साइट्स मेरे को मिल जाएंगे यहाँ पे, देखिए हु इज डॉट कॉम है, डोमेन टूल्स डॉट कॉम है, आईकैन डॉट ओ आर जी है, तो हर जगह आपको डेटाबेस यानी कि डिटेल मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं सब। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अवेलेबल, ओके, शायद ये हु इज लुकअप में ये मेरे को नहीं दिखाएगा क्या, ओके। सो ये कुछ और यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम देखना चाह रहे हैं वो नहीं। तो चलिए हम आईकैन, आईकैन बाय द वे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, जो ओवरऑल इंटरनेट के एक्टिविटी को मे भी कंट्रोल करती है, डिटेल में नहीं पता, लेकिन ऑफ कोर्स जो भी आप डोमेन बुक करते हो उसमें एक छोटा सा फी जो है वो आईकैन ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जिसकी वेबसाइट पे मैंने अभी लॉग इन किया हुआ है, ओके।
चलिए एक बार इसमें देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है क्या। ओके सॉरी सॉरी, HTTPS हटा दो, ये हटा दो, देखते हैं। प्रोसेसिंग, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से डिटेल की शुरुआत होती है, कि मैं सारे एक एक डिटेल पे नहीं जाऊँगा, आप लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो गूगल डोमेन्स, यानी कि गूगल गूगल डोमेन से ये रजिस्टर हुआ है, ठीक है, ये डोमेन गूगल डोमेन से। और एक्सपायरी वगैरह यहाँ पे आपको दिख रही है, अपडेट कब हुआ था, क्रिएट कब हुआ था, 25/5/2022 को ये डोमेन बुक हुआ था पहली बार। एंड नेम, ठीक है, कॉन्टेक्ट प्राइवेसी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कॉन्टेक्ट प्राइवेसी INC कस्टमर, ठीक है, ये इसका नाम है। ईमेल है इनका, देखिए आपको ईमेल मिल गया ना, सॉरी, ये रजिस्ट्रांट का ईमेल और डिटेल है, ये रजिस्ट्रांट का ईमेल और डिटेल है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, रजिस्ट्रांट का, ये रजिस्ट्रांट का ईमेल और यानी कि पूरा पूरा। अब एडमिन का, एडमिन यानी कि जो क्या नाम है अपना, एडमिन अभी भी यही है, ठीक है ना, एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, जो रजिस्ट्रांट है वही है। चलिए टेक पे, अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रार का इंफॉर्मेशन, तो आई एम नॉट श्योर, ये शायद इन्होंने हाइड कर रखा है, ठीक है ना, ये देखिए हिडन है, रजिस्ट्रार abuse@google.com, ये ईमेल जो है गूगल का ही एक्सटेंशन है, गूगल का ही ईमेल है, और ये ईमेल मोबाइल, ये फोन नंबर जो है ये भी शायद गूगल का ही मेरे को दिख रहा है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। यस सो ये प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है, ये डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है, इसलिए हमारे को इसकी डिटेल नहीं मिलेगी। बाय द वे यहाँ पे एक चीज और बता दो, लीगल नहीं है बताना इस तरह की चीज है, बट आप अलग अलग डिफरेंट टूल्स जरूर ट्राई करना, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए थे ना, ये तो ican.org है, इसके बाद था एक domaintools.com, इसके बाद wix.com था, इस तरीके के बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगी वेबसाइट्स, जहाँ पे इसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप डिफरेंट साइट्स पे जाना और एक बार चेक करने की कोशिश करना, ठीक है। इवन की डिस्क्लेमर है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना, बिकॉज ये लीगल नहीं है कि कोई प्राइवेसी प्रोटेक्टेड डोमेन का डिटेल आप जानने की कोशिश करो, ठीक है, और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि आप जान पाएंगे कि नहीं, लेकिन आप कोशिश जरूर कर सकते हैं, बिकॉज हर चीज का विकल्प मौजूद है इस दुनिया में, आई बिलीव, आई ट्रूली बिलीव दैट। सो अगर प्राइवेसी प्रोटेक्टेड डोमेन है तो उसका भी आप डिटेल निकाल सकते हैं। यस तो एक बार आप जाके चेक कर सकते हैं इस तरह के अलग अलग वेबसाइट्स पे। बाय द वे अब हम नेक्स्ट डोमेन जो हमारा था domains.biz, इसको मैं एक बार चेक करता हूँ यहाँ पे, और नहीं तो किसी और टूल के पास चलेंगे हम। ये HTTPS बाय डिफॉल्ट आ जा रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे एक बार फिर से लुकअप करता हूँ। ओके मैं चाहता था कि ये लंबी वीडियो ना बने, बट स्टिल क्लाइंट रिन्यू प्रोहिबिटेड डोमेन कंट्रोल डॉट कॉम नेम सर्वर, ये एक्चुअली गो डैडी से बुक्ड है, गो डैडी इसका रेस्टोरेंट है, देखिए यहाँ पे डोमेन प्रॉक्सी यहाँ पे देख रही है, यहाँ पे देखिए ईमेल जो है इससे पता चल रहा है गो डैडी का है। एडमिनिस्ट्रेटिव में भी सेम है, बिलिंग बिलिंग बिलिंग, इसके बाद रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन, ये भी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है, सॉरी टू से, बट दोनों में से कोई भी डोमेन जो है ओपन नहीं है। तो चलिए अब हम अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं, बढ़े क्या, चलिए एक बार देखते हैं एक और, देखिए वेबसाइट आया है who.is, नाइस, बहुत अच्छा डोमेन है भाई, बहुत कमाल का डोमेन है ये वाला, डोमेन ये वाला who.is है कि नहीं, देखो कितना .com से भी छोटा हो गया, who.com से भी, यस, और देखो कितना प्यारा सा नाम है who.is, ठीक, क्लाइंट प्रोहिबिटेड नहीं मिलेगा हमारे को डिटेल इसका, प्रोटेक्टेड, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रिडेक्टेड फॉर प्राइवेसी, है ना, यानी कि प्राइवेसी वाला प्लान उसने लिया था बंदे ने। देखिए आपको भी यही करना है कि जब आप डोमेन वगैरह बुक करते हो तो प्राइवेसी वगैरह प्रोटेक्शन आप ले सकते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका डिटेल पब्लिक में विजिबल नहीं होगा, नहीं तो कोई और, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ कि
किसी थर्ड पार्टी का डोमेन, वैसे आपका डोमेन कोई और सर्च कर सकता है, आप तक रीच आउट बना सकता है वो, है ना। और ये आपके डोमेन के सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एक और जो था हमारा beauty.net, इसको भी एक बार देख लेते हैं भाई, ट्राई कर लेते हैं क्या हो रहा है। एक डोमेन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना, एक डोमेन किसी ना किसी तरीके से मैं वो करके आपको दिखाऊंगा। ओके, सेम 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 ऑर्गेनाइजेशन व्हाट। ओके, रजिस्ट्रांट। ओके, टेक्निकल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार, ठीक है ठीक है। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये डिटेल है, वहां पे हमारे को डिटेल नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने बोला था कि अलग अलग टूल आप ट्राई करना है एक बार, ठीक है ना। सेम डोमेन मैंने यहाँ पे चेक किया, ये जो सेम beautya.net था, तो यहाँ पे जो ican.org है उस पर नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे दिख रहा है, जो रजिस्ट्रांट है, रजिस्ट्रांट का नेम क्या है, ठीक है ना, तो इसको छुपाया हुआ है, लेकिन एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है आपको, 96 मोवात एव टोरंटो, है ना, कैलिफोर्निया, ठीक है। ओके, आई एम नॉट श्योर, ये तो मुझे लगता है कि जब रजिस्ट्रांट यानी कि जो डोमेन का ओनर है, अगर उसने प्राइवेसी प्लान ले रखा है, तो कई बार क्या होता है कि जो कंपनी जहां से रजिस्टर हुआ है वो डोमेन, वो अपना एड्रेस और डिटेल, कई बार नहीं यही होता है, वो अपना डिटेल डाल देगी या फिर ये वाला मैसेज वहां पे दिखा देगी, प्राइवेसी प्रोटेक्टेड वाला जो दिखाया था मैंने पिछले वाले में। सो यस, आई फील कि ये वही चीज है, ठीक है ना, क्योंकि ईमेल देख के लग रहा है ये अभी भी ये गो डैडी वाला ही है। चलिए हम ऐसा करते हैं कि कोई एक नया सा कोई नेक्स्ट नेक्स्ट डोमेन को लेते हैं, किसी भी रैंडम से डोमेन को, और फटाफट चेक करते हैं। वीडियो को मुझे ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, बैक करते हैं। ओके, ये भी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है, कोई तो मिल जाए एक, आपको 100% मिलेगा, मैं ये बता दूं। आप जो लोग ये देख के सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं मेरे को तो सारे ही प्राइवेसी प्रोटेक्टेड वाले मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको दूसरे वाले भी मिल जाएंगे फॉर श्योर, दुनिया भर के मिलेंगे, आप इतने मिलेंगे कि आप रीच आउट करते करते थक जाओगे। यस, वाह, ये देखिए, ये बढ़िया, ये हमारे को डिटेल मिला, बहुत कमाल का डिटेल मिला। ये डोमेन था, कौन सा डोमेन था, cytic.net, cytic cytic.net। बाकी डिटेल्स को छोड़ देते हैं हम, और यहाँ पे आते हैं रेस्टोरेंट का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। ये मलेशिया, कुआलालंपुर इसने सिटी लिखा हुआ है, यानी कि मलेशिया का रहने वाला है, पोस्टल कोड हो गया, और इसके बाद फोन नंबर वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे voiceprotection.cc, ईमेल शायद उसने नहीं डाला होगा, इसलिए बाय डिफॉल्ट वाला ईमेल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो आपको फोन नंबर मिल गया, आप फोन नंबर से कांटेक्ट कर लो, राइट। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि डोमेन नेम का डेटा फाइंड कर सकते हो उस पर्सन का, ठीक है। बाय द वे, वो बात भी याद रखना कि इस तरह के जो है अलग अलग टूल्स ट्राई करना है, तो आपको अलग अलग टूल्स में कई बार मिल जाते हैं, ये मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसको आप लोग ट्राई करना, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करेगा। रीच आउट आपको करना है, जितना कर सकते हो उतना करना है, मेरा आज का टारगेट है 20 रीच आउट। शाम के बज रहे हैं 9:30, रात के 9:30 बज रहे हैं, और टाइम से मुझे सोना भी होता है, बट स्टिल आई विल मेक एटलीस्ट 20 रीच आउट टूडे, एक भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं 20 रीच आउट बनाऊंगा, मे बी यूजिंग दिस सेम मेथड और अदर मेथड, हालांकि मैं अलग अदर मेथड यूज करूंगा, आजकल मैं एडवर्ड सूट का यूज कर रहा हूँ उस चीज के लिए। सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, इस वीडियो ने काफी हेल्प किया होगा। लाइक कॉमेंट वगैरह देख लेना भाई, अगर करना हो तो कर देना, नहीं करना हो तो छोड़ देना। ओके ओके, थैंक यू सो मच, फिर बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।